हेलो नेचर लवर्स, देखिए ये जो कोलियस का हैंगिंग प्लांटर है, ये एक DIY हैंगिंग प्लांटर है। इसे बनाने के लिए मैंने बहुत ही हल्का सॉइल मीडियम यूज़ किया है। उसके लिए मैंने हमारे घर पे जो नारियल आया हुआ था उसके छिलके को छोटा छोटा कट करके अपने सॉइल के साथ मिक्स कर दिया और इस पॉट को भर दिया। इससे क्या हुआ, इस छोटे से प्लांटर में अच्छे से मॉइस्चर मेंटेन रहता है और सॉइल मीडियम भी हल्का रहता है। फ्रेंड्स, देखिए इस हैंगिंग प्लांटर को रेडी करने के लिए मैंने इसमें क्या किया है। इसमें देखिए 4 से 5 कटिंग कोलियस की लगा दी है। इससे क्या होगा, ये जो मेरा हैंगिंग प्लांटर है जल्द से जल्द घना दिखने लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप भी जब भी हैंगिंग प्लांटर बनाएं तो आप भी उसमें 4 से 5 कटिंग्स लगाएं ताकि वो जब ग्रो हो तो जल्दी से हमारा प्लांटर भरा भरा सा दिखने लगे। और ये जो रस्सी से मैंने इस प्लांटर को लटकाया है वो है नायलॉन की रस्सी। ये भी वो नायलॉन की रस्सी है जो 3 पतली रस्सियों को मिलाकर बनाया जाता है। उसे मैंने खोल दिया, तीनों रस्सियों को अलग अलग करके ये हैंगिंग प्लांटर रेडी कर लिया। इस तरह का हैंगिंग प्लांटर रेडी करना बहुत इजी होता है। अगर आपको सीखना है इस तरह का हैंगिंग प्लांटर नायलॉन की रस्सी से बनाना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस हैंगिंग प्लांटर को हैंग करने के लिए ये जो मैं हुक यूज़ कर रही हूँ वो भी मैंने खुद ही बनाया है। अपनी पुरानी मेटल छुरी को कट करके मोड़ लिया है और यहाँ पर हैंग कर दिया है। हैंगिंग प्लांटर का जो ये पॉट है वो भी मैंने खुद ही बनाया है। ये एक पेंट का डब्बा था, उस पर मैंने ये कॉपर कलर से बॉर्डर बना दिया और कुछ पोल्का डॉट्स बना दिए। इस तरह से हम अपने घर के कुछ वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं उसका यूज़ करके हम एक खूबसूरत सा हैंगिंग प्लांटर बना सकते हैं। देखिए ये ऐसे हवा से गोल गोल घूमता रहता है और कितना खूबसूरत लगता है। मेरे इस हैंगिंग प्लांटर के कोलियस प्लांट को मैंने पिंच करके इस तरह से बुशी बनाया है। तो आप जब भी कोलियस प्लांट लगाएं तो आप भी उसे टाइम टाइम से पिंच करते रहें ताकि वो आपका प्लांट बुशी हो जाए। फ्रेंड्स, देखिए सामने से हमारे बालकनी का लुक कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जो कोलियस के प्लांट का कलर है वो हमारे घर के कलर के साथ कितना अच्छा जा रहा है और बहुत ही खूबसूरत सा एक लुक क्रिएट कर रहा है। फ्रेंड्स, इस तरह के सिंपल गार्डनिंग आइडियाज़ से अपने घर को डेकोरेट करने के लिए और मेरे वीडियोज़ के साथ बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।